हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के समय में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा जरूरी है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये इन जो घर में खरीदे हुए प्रोडक्ट हैं इनके जैसे नहीं होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है आपकी लाइफ का, आपके जीवन का एक कवर। जब तक आप जीवित हैं तब तक तो वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया से चले जाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसका जो महत्व है वो कई सौ गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आपके परिवार पर एकदम से आपके जाने के बाद आर्थिक संकट आ जाता है, तो उस संकट से निकालने के लिए ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा काम में आती है। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जाती है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तभी मान्य होती है, तभी वो आपके परिवार के पीछे छूटे हुए सदस्यों के काम में आएगी, जब आपने उसे सही तरीके से खरीदा होगा और सही तरीके से आपने उसे संभाल कर रखा होगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही सजेस्ट करने वाले हैं कि आपको क्या गाइडलाइंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद। ये ना LIC कंपनी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ना किसी और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जारी की गई हैं। ये हमारे पास जो भी सवाल आए, जो भी हमारे पास फ़ोन कॉल्स आई, जो भी परेशानियाँ हमारे पास आई अब तक पिछले 2 साल के अंदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेकर, उन परेशानियों को देखते हुए हम आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहे हैं। थोड़ा सा आपका समय लगेगा इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन उसके बाद जिस भी वो परेशानी में आ जाएंगे उस परेशानी से निकलने में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड मान लेते हैं कि आपने कोई LIC पॉलिसी ली, या फिर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, कोडेक की, महिंद्रा की, या किसी और की, मैक्स की, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। सबसे पहले तो जैसे ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी खरीदते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए उसके बॉन्ड की। जैसे ही आपके पास कोई भी आपने LIC पॉलिसी खरीदी, उसका बॉन्ड आपके पास आ जाता है इस तरीके से, तो उन बॉन्ड को आपने केवल इस तरीके से खरीद के घर में नहीं रख देना होता है कि आपने टीवी खरीदा घर के लिए, फ्रिज खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी और घर में घेर दी। उसके बाद अगर आप दुनिया से चले भी जाते हैं तो उनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं उसको आप हमेशा संभाल कर रखिए, इस तरीके से उसकी एक फ़ाइल बनाइए, फाइल के अंदर उसके रसीदें हैं वो संभाल कर रखिए, और इस तरीके से उनके बॉन्ड को आप उसमें केयर से करके रखिए। और इसके बाद आपको अपने घर के परिवार के सदस्यों को बताना होता है कि आपने कोई पॉलिसी की हुई है, उस पॉलिसी की एक फ़ाइल बनाइए। फाइल बनाने के बाद इस तरीके से पॉलिसी का नंबर, पॉलिसी का नाम, पॉलिसी की ब्रांच, आपका एड्रेस, सारा कुछ उसके ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से आप पॉलिसी के लिए फाइलें बनाइए, रसीदों के लिए अलग से एक फ़ाइल बनाइए। ये देखिए इस तरीके से फाइल बनाकर आप पॉलिसी के जो बॉन्ड हैं, ये देखिए ये बॉन्ड है, इस तरीके से संभाल कर अलग अलग फाइल बनाइए हर पॉलिसी के लिए, जो भी पॉलिसी आपने खरीदी हुई है ये पॉलिसी है। और उसके बाद आपने जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, और वो ये होती ये है कि आप हमेशा जो भी पॉलिसी जिस भी एजेंट से ख़रीदते हैं तो उस एजेंट का इस तरीके से कार्ड लीजिए, कार्ड के ऊपर उसका मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसका जो पॉलिसी का कार्ड होता है, जिस अगर वो LIC पॉलिसी में LIC की कंपनी में काम करता है तो उसे जो नंबर दिया जाता है वो नंबर उसके ऊपर होना चाहिए कार्ड के ऊपर। इस तरीके से आप अपनी सारी की सारी पॉलिसीज के जो बॉन्ड्स हैं उनको संभाल कर रखिए, और जहाँ पर आप रखते हैं उसके बारे में अपने घर में जिसको आपने नॉमिनी बनाया, क्योंकि नॉमिनी आदमी उसी को बनाता है जिस पर वो भरोसा करता है कि मेरे जाने के बाद मेरा जो LIC में या इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा भर रहा हूँ ये इनको मिलना चाहिए, ये सारा कुछ हैंडल कर सकते हैं, मेरे बाद जो आर्थिक संकट पीछे आ जाएगा उसको वो संभाल सकते हैं। तो उन्हें बताइए कि हमने ये बॉन्ड के पेपर यहाँ पर रखे हुए हैं, और हर बॉन्ड के पेपर के ऊपर अगर आपने अलग अलग एजेंट से नंबर लिया हुआ है तो उसकी अलग अलग पॉलिसी का, जिस तरीके से हमने बताया, अलग अलग एक फ़ाइल बनाइए, फाइल के ऊपर अलग अलग एजेंट का नंबर डालिए, ये पॉलिसी हमने इस एजेंट से ली है और ये पॉलिसी इस एजेंट से ली है। इससे होगा ये कि जब अगर कभी कोई मुसीबत आ जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो हमारे बाद जो हमारे पीछे होंगे उनको ज़्यादा दिन तक परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि लंबा समय नहीं देती है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए। डेथ होने के कुछ समय के बाद ही क्लेम करना होता है, उसके बाद क्लेम का पैसा मिल जाता है। और क्लेम के पैसे की ज़रूरत तभी होती है जब हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, तो जितना जल्दी मिल सके पैसा उतना ही बेहतर होता है। तो यदि इस तरीके से आप फाइलों में सारा कुछ केयर करके रखते हैं तो आपके पीछे, आपके बाद आपके परिवार के सदस्य जाकर उन पेपर्स को निकालेंगे, एजेंट का नंबर भी उन्हें मिल जाएगा, किस किस एजेंट से कौन कौन सी पॉलिसी ली हुई है वो सारा कुछ वहाँ पर आपने संभाल के रखा होगा, तो वो सारा का सारा कुछ उनको मिल जाएगा, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प होगी।
क्योंकि जाने के बाद तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा पॉलिसी खरीदने के लिए, हम अपना मेहनत का थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर जमा करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा कि आप थोड़ा सा एक डेढ़ घंटा निकाल कर इस तरीके से सारी फाइलें बनाएं। सारी फाइलें बनाने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को बताएं, उसके ऊपर एजेंट का नंबर भी लिखा हो ताकि एजेंट आपकी हेल्प कर सके। आई होप फ्रेंड कि हम जो कुछ वीडियो में समझाना चाहते हैं आपकी जरूर समझ में आया होगा। LIC और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारी LIC की प्लेलिस्ट जाकर जरूर वॉच करिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।